अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सैरी कमर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तो जी व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। देखिए ये देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए आपको इसका पूरा मेथड बताती हूँ कि मैंने ये कैसे रेडी की है। इसको मैंने एक जो ब्लेंडर है उसके बगैर रेडी किया है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसको हाथों की मदद से भी बना सकते हैं बड़ा ईजीली। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को रेडी करते हैं। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल। बॉल के अंदर हम 2 टीस्पून हम करेंगे ऐड इसमें कॉफी के। कॉफी आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस कंपनी की लीजिए। 2 चम्मच हमने कॉफी पाउडर लिया है, उसके साथ ही 2 चम्मच इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। 2 चम्मच शुगर ऐड करने के बाद इसमें 2 चम्मच भर के इसमें मैं पानी के ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे अच्छे से मिक्स करना। जैसा कि मुझे इसको ब्लेंड करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, इस पे जागना स्टार्ट हो गया है। इसको मजीद मैं अच्छे से 5 मिनट अच्छे से और इसको विस्क करूंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको इसमें से स्पून हटा लिया था और इसको एक हैंड बीटर जो होता है जिसको हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं उसके साथ मैंने इसको बीट किया है अच्छे से। और देखें इसका कितना हमारे पास थिक सा पेस्ट रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इससे कॉफी रेडी करते हैं। लेंगे एक गिलास खूबसूरत सा, इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल ठंडा हो। इसके साथ ही इसमें हमारे पास जो आइस क्यूब है वो ऐड करेंगे। ओके, कॉफी जो कोल्ड कॉफी है जितनी ज्यादा ठंडी होगी उतना ही हमें इसका मजा आएगा। इसके साथ ही हमने ये जो बैटर रेडी किया है कॉफी का, इसमें हम 2 चम्मच भर के इसमें वो ऐड करेंगे। अब एक स्ट्रॉ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। अब मैं एक टूथपिक स्ट्रॉ की मदद से मैं इसमें कितनी खूबसूरत सी डिजाइनिंग बना सकती हूँ। आपको जो डिजाइनिंग भी पसंद हो आप अपने हिसाब से बनाइए। आप इसमें शुगर और कॉफी का जो है मिक्सचर वो कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक।